गुड आईमसी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है एलो स्मूथ शाइनी हेयर रिमूवल किट, उसका डेमो करने जा रहा हूँ। और ये जो डेमो है ये उन सभी लोगों ने देखना चाहिए जो लोग हेयर रिमूवल करवाना चाह रहे खुद अपने आप, या वो ब्यूटिशियंस। आपके सामने मैं एक नया पैकेट को मैंने खोला है, एक नई ट्यूब को मैंने खोला है। एलो स्मूथ हेयर रिमूवल क्रीम है ये पहली। अब इसको आपको पहले करना ये है, फाइन। सो इस किट के अंदर आपको एक ये ट्यूब मिलेगा और साथ में आपको एक एलो शाइनी हेयर स्किन रिपेयर जेल भी मिलेगा। सो आई एम अप्लाइंग दिस थिंग ऑन माय थाइज। बहुत सारे आप देख सकते हैं बाल हैं हेरी। सो जस्ट टू शो यू ऑल, मैं इसको लगा रहा हूँ। जनरली मेल्स की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है एंड हेयर भी डेंस होता है। अब आपने क्रीम लगाने के बाद इसको जो स्पैचुला है, ये जो स्पैचुला है इससे आपको इसको evenly स्प्रेड कर लेना है। ये मैंने evenly स्प्रेड कर लिया है। जितना एरिया का मैं हेयर रिमूव करना चाह रहा हूँ इसको मैंने evenly स्प्रेड कर लिया है। और ध्यान रहे कि जो क्रीम है जो आप लगा रहे हैं स्पैचुला से, वो उतना ही लगाएं जितना आपको जहाँ जहाँ आपको उसको यूज़ करना है, मतलब जहाँ जहाँ आप निकालना चाहते हो। तो क्योंकि थोड़े बाल ज़्यादा है इस वजह से आई एम अप्लाइंग द क्रीम, रिमूवल क्रीम को पहले हमें यूज़ करना है। दो तीन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि कम से कम 10 से 15 मिनट इसको इफ़ेक्ट आने में लगेंगे। तो हमने ये क्रीम लगा के इसे 10 टू 15 मिनट्स रखना है। बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे हमें ड्राई नहीं होने देना है। ड्राई होने के पहले ही इसको फिर से हम वाइप आउट करेंगे। सो नाउ आई हैव अप्लाइड द जेल, सॉरी द क्रीम। एंड लेडीज़ को हो सकता है थोड़ा सा कम लगे बिकॉज कि उनका हेयर इतना डेंस नहीं होता है एंड उनकी स्किन भी जो है बहुत ज़्यादा मुलायम होती है कंपेयर टू मेल्स। सो राइट नाउ आई विल पॉज द वीडियो, आई विल लेट इट ड्राई एंड आगे की मैं आपको जो प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, अराउंड मैंने इसको एक 4 मिनट्स तक रखा हुआ है और नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग। आप देख सकते हैं कि मैं इसको स्पैचुला से आपको इसको रिमूव करना है। आप देख सकते हैं कितने इफ़ेक्टिवली, खाली एक मैंने स्लाइड किया है और आप देख सकते हैं कि सारे हेयर्स जो है कितने इफ़ेक्टिवली विदाउट एनी पेन ये सारा हेयर जो है वो निकल गया है। इट इज़ एब्सोल्युटली पेन फ्री वे, ना मुझे किसी प्रकार की जलन हुई, ना मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई। आपने ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, इसको वेट होते ही, वेट जब ही है तभी निकाल देना है। सो इसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड आप इसको फिर से लगा सकते हैं। मेक श्योर दैट यू डोंट प्लग द हेयर। एक मैंने वेट टॉवल लेके मैंने इसको क्लीन कर दिया है, एक वेट टॉवल लिया है, इससे मैं जस्ट इसको क्लीन कर ले रहा हूँ। और देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ भी ना इसके अंदर रेडनेस हुआ है, ना इसमें किसी भी तरीके का इरिटेशन है, ना किसी भी प्रकार का मुझे कोई जलन है। एब्सोल्युटली बिल्कुल पेन फ्री एंड विदाउट एनी एलर्जी ये मुझे ये हेयर रिमूवल हो चुका है। अब यू कैन सी इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। सो एक वेट टॉवल लेके आपने इसको क्लीन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमें जो करना है वो है कि हेयर रिमूविंग तो हमने कर लिया है, अब इसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं स्किन रिपेयर जेल, उसको अप्लाई करना है। सो आई विल यूज दिस, आई एम जस्ट ओपनिंग इट। इसको ओपन करके थोड़ी सी मात्रा
थोड़ा सा जेल मैंने लिया अपने स्किन पे जहाँ से मैंने रिमूव किया था, एंड जस्ट डैब इट, इसको डैब कर लेना है। इसके अंदर हमने जो फॉर्मूला है वो है एलोवेरा, कैलेंडुला, कैमोमिल ऑयल, केसर, पपैया एंड कुकुम्बर। सो ये आपको बहुत ही ठंडक का एहसास देगा। कुछ कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हो सकता है कि उनको लाइट हल्की सी बर्निंग हो, बट इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे ही स्किन रिपेयरिंग जेल लगाएंगे तो वो सारी बर्निंग या इरिटेशन जो है ठीक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अ परफेक्ट, अ सेफ, अ हर्बल नेचुरल वे टू रिमूव द हेयर, एब्सोल्युटली वंडरफुल रिजल्ट्स। विद इन 4 मिनट्स मैंने देखिए, मेरे बाल बहुत डेंस है, बहुत ही ज़्यादा घने हैं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं ये टोटल पार्ट जो है इट हैज़ बीन रिमूव्ड। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्रोडक्ट बाई IMC। आई होप एंड विश सभी लोग हेयर रिमूवल के लिए इसे यूज़ करते हैं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल दी वेरी बेस्ट।